सर, फॉरनर्स के लिए सर मेहंदी और वो सब उसका कर रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि मनोज कुमार सिंह जी श्री उत्तर प्रदेश की मूवी जो उसका इंजीन लैंड क्रूजर का है, एटोवाई का है, पंखे जो है प्रॉपर हवाई जहाज के हैं और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और वो 10 सेंटीमीटर ड्रॉप में चल सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी महीने के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक में केशव जी और हम वाराणसी से उस बोट में बैठकर प्रयागराज आएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और ये ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयागराज और वाराणसी के बीच में नया साधन होगा। जहाँ तक नमामि गंगे जो हमारा डिपार्टमेंट था उसके ओर से हमें काफी काम किए हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी से लेकर प्लांटेशन से लेकर अलग अलग प्रकार की योजना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमने टोटल इसमें जो काम किया है उसमें जो पुराने स्थितिस थे वो करीब 136 सीवरेज की परियोजनाएं जो है 261 में से वो हमने ली थी, उसमें से 31 पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसमें से 43 स्कीम से 11 पूरी हुई है, 22 का कार्य प्रगति पर, 10 टेंडर निकले हुए हैं और इसकी कीमत करीब 9 से 10 हजार करोड़ है। इसके साथ बिहार आदरणीय केशव जी और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहन, सबसे मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा कि आने में देरी थी कि वाराणसी से प्रयागराज तक जलमार्ग बनना चाहिए और यमुना पर प्रयागराज में 4 रिवर पोर्ट बनने चाहिए, ऐसी मांग केशव जी ने मेरे पास की थी। तब मुझे बहुत कठिनाई थी और वर्ल्ड बैंक को हमने प्रपोजल दिया, हमको रिक्वेस्ट की, उसको मंजूरी भी मिली और आज 4 प्रयागराज में 4 जेटीज का उद्घाटन भी हुआ। प्रयागराज से वाराणसी में 5 फ्लोटिंग जेटी बना रहे, उसका भी काम लगभग हुआ और वाराणसी से प्रयागराज तक हम 1 मीटर का ड्राफ्ट साल भर मेंटेन करने के लिए हमने ड्रेजिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इससे वाराणसी टू हल्दिया ये हमारा जलमार्ग लगभग काफी काम पूरा हुआ है। वाराणसी हल्दिया साहिबगंज और गाजीपुर में मल्टी मॉडल हब बना रहे थे, इस साल 80 लाख टन का ट्रांसपोर्ट होगा और अगले 2-3 साल में 280 लाख टन का इसी बार होने जाएगा। और इससे आपको पता है कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा लगता है, रेलवे से 6 रुपए लगता है, तो पानी से 1 रुपया लगता है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ के उद्योग व्यापार जगत के लिए फायदा है। दूसरा, हमने फराज का जो बेट है उसका भी काम शुरू किया है, उसके साथ हल्दिया से फराका तक जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हमने शुरू की थी। आज मैंने फराक्का से पटना तक इस सिस्टम को इनोग्रेट किया है, तो हर जहाज स्क्रीन पर दिखेगा, आप कंट्रोल कर सकेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का निर्माण हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये सब आज की योजनाओं के कारण हमारे 5-7 स्टार टू बोटिंग वाराणसी टू प्रयागराज इतना ही नहीं, अब प्रयागराज बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक जुड़ा गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो गंगा का जलमार्ग है वो हल्दिया तक जाएगा और बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्र होकर वो डायरेक्ट बांग्लादेश तक जा सकता है और ब्रह्मपुत्र में भी हमने ट्रेडिंग पूरा किया है, बैराक में पूरा किया है और बांग्लादेश में जाके 250 करोड़ खर्चा करके